इस वक्त इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब शब्द का इस्तेमाल करने पर भी जरा भी गुरेज नहीं है इन नेताओं को। इधर 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए ममता बनर्जी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगी हैं, लेकिन ममता के इस गोलबंदी को तगड़ा झटका आज लग गया क्योंकि कई पार्टियों ने ममता की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में हिस्सा ही नहीं लिया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। राष्ट्रपति चुनाव के लिए ममता की गोलबंदी, बैठक से पहले ही झटका, कई पार्टियों ने किया किनारा। दिल्ली में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई। दिलचस्प बात यह है कि इस बैठक को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बुलाया था। इस बैठक में कांग्रेस समेत 17 विपक्षी पार्टी के नेता शामिल हुए। बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उम्मीदवार के नाम पर चर्चा हुई, लेकिन ममता बनर्जी ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं। All we have decided there will be only one consensus candidate. Though I personally even all the members of the meeting they unanimously suggested Sarad Pawar's name. Unanimously. If Sarad Pawar is agreed is okay, but he said he is not interested. ममता बनर्जी ने करीब 25 विपक्षी दलों को न्योता दिया था, जिसमें से सिर्फ 17 पार्टियां ही बैठक में शामिल हुई। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, रणदीप सुरजेवाला, शरद पवार, एचडी देवगौड़ा, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती, जयराम रमेश समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे, जबकि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के चंद्रशेखर की टीआरएस, ओडिशा की बीजेडी और ओवैसी के पार्टी एआईएमआईएम ने बैठक से किनारा कर लिया, जबकि वाईआरएस कांग्रेस को निमंत्रण नहीं दिया गया था। हालांकि बैठक से पहले ममता बनर्जी ने शरद पवार का नाम राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आगे बढ़ाया था, लेकिन पवार ने ममता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बता दें कि 16वें राष्ट्रपति के लिए 16 जुलाई को चुनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए एक तरह